हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा दूसरा वीडियो है, लेकिन उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो ना होकर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मुझे एक एग्जाम देने का अवसर मिला तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि एग्जाम का एक्सपीरियंस जब कोई शेयर करता है तो जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स है उनके लिए आसान होता है, उनको एक आइडिया मिलता है उस एग्जाम को कैसे तैयारी किया जाए, उसके तरफ कैसे अप्रोच किया जाए उस एग्जाम को। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए इसका एक्सपीरियंस। एग्जाम का नाम है LNT बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप। बहुत लोगों को पता होगा, ये हर साल LNT अपने तरफ से एक स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें सिलेक्शन होने के बाद कुछ IIT जैसे IIT दिल्ली, मुंबई, सॉरी मुंबई नहीं मद्रास, और कुछ टॉप NITs से उनको MTech करवाती है। जो बच्चे होते हैं उसका सारा खर्चा L&T फंड करती है। जिनको नहीं पता थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे गेट देने के बाद IITs में NITs में जो लोग MTech करते हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है, सेम उस तरह से L&T भी अपने तरफ से स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है। और MTech का जो सब्जेक्ट होता है वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में होता है, तो खास करके ये सिविल वाले इस एग्जाम को देते हैं। ये गेट के 1-2 महीने बाद ही कंडक्ट करवाती है L&T। जो लोग गेट का तैयारी करते हैं वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, खास करके सिविल वाले। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि जब मैं ढूंढ रहा था इसके रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे या कोरा पे, तो मुझे इतना सेटिस्फाइंग आंसर कहीं मिला नहीं, इतना कुछ एग्जाम के बारे में इंसाइट मिला नहीं। एक एस्पिरेंट्स को कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, किस टॉपिक से कितना आता है, ये सब पता चल जाए तो उनके लिए ज़्यादा इजी होता है। क्या होता है, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो सिलेबस देख के हम लोग पढ़ते हैं, तो हर बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, तो बस इतना इंश्योर करना है कि वो टॉपिक ना रह जाए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसलिए वहां पे ये काम ऐसी वीडियोस हेल्पफुल होती है कि हाँ आप तैयारी करके जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये सब तो तैयारी करके आपको जाना ही है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में इसके जो हिस्ट्री है इस तरह से इस टॉपिक से ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए इसका मकसद वो है कि आप एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स छोड़ के ना जाए, ये सारे एरियाज खुद को तो कवर करके जाए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलते हैं, आपको ले चलता हूँ, मैं थोड़ा बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस थे। LNT में क्या होता है भैया, इसमें कि एक एप्टीट्यूड फिर एक टेक्निकल होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस एप्टीट्यूड कर रहा है, मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात करें इंग्लिश की तो कॉम्प्रिहेंशंस और सेंटेंस करेक्शंस काफ़ी आसान थे, काफ़ी आसान। मतलब आप कॉम्प्रिहेंशन देखे तो सीधा लाइन उठाकर कॉम्प्रिहेंशन से दे दिया गया था, तो उसके आंसर्स ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं। और सेंटेंस करेक्शंस भी सिंपल थे, सिंपल ग्रामेटिकल एरर्स को वो करना था और फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो ये दोनों इजी थे। बात ये थी कि एंटोनिम्स बहुत पूछा गया था, एंटोनिम्स का जो क्वेश्चंस का नंबर्स था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसकी तैयारी आप जरूर करें, एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इस पे हाथ साफ होगा, उतना आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि एंटोनिम्स ये सब आपको जितना प्रैक्टिस रहेगा, जितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, जितने देखे होंगे, उतना सही होगा। उधर जाके कोई मैथ्स टाइप आप कैलकुलेशन करके लॉजिक लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसलिए इसमें मैं जिस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि अब एंटोनिम्स तैयार करके जाए। सिनोनिम्स तो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के हैं, तो इस बार एंटोनिम्स है, नेक्स्ट टाइम सिनोनिम्स पूछा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस एरिया से जो वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो होता है उसकी तैयारी आप जरूर करें। तो नेक्स्ट चलते हैं अरिथमेटिक। हाँ, इंग्लिश का अगर पूरा लेवल मैं उसको रेट करूँ कि किस लेवल का एग्जाम था, तो मैं मॉडरेट बोलूंगा। मॉडरेट क्यों हो गया, क्योंकि जो एंटोनिम्स है उसकी प्रैक्टिस चाहिए,
वो आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो आता है, इस टाइप का सिचुएशन उधर बन जाता है। तो इसलिए उस टाइप के सवाल जो होते हैं इंग्लिश को थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। ग्रामर हो गया, ये सब लॉजिकल थिंग है, ग्रामर है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ के दे सकते हैं। एंटोनिम्स अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, सिनोनिम्स नहीं आता है तो नहीं आता है, आप क्या करेंगे। तो इस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपका इंग्लिश पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। बात करें अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक काफ़ी आसान क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। वही टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम्स, ये सब ऐसे सवाल थे। इसमें क्या है, कैलकुलेटर नहीं था, इस बात पर गौर कीजिएगा, कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं था। तो आपको छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा डिवीजन आपको पेन से ही करना पड़ेगा उधर। तो इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो इसके जो आंसर्स थे पॉइंट में, पॉइंट्स में आंसर थे, कोई होल नंबर ऐसे करके आ नहीं रहा था आंसर। जो ऑप्शंस थे 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, ऐसे भी आंसर्स थे। तो आपको उतना तक उसको डिवाइड करना है। आप उतना डिवाइड करेंगे उधर प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा आपका टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। कैलकुलेटर नहीं दिया गया था, तो ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इधर, कैलकुलेटर नहीं रहता है उधर, सब कुछ आपको उधर ही करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान था, अरिथमेटिक इजी में इसको रेट करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसके भी क्वेश्चंस काफी इजी थे, डायरेक्शंस पे थे, कोडिंग डिकोडिंग पे थे, नंबर सीरीज पे थे, जो बहुत आसान सवाल थे। जो ज़्यादा सवाल पूछा गया था, मैं इसमें क्या हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस थे वो ब्लड रिलेशंस थे, ब्लड रिलेशंस के बहुत सारे सवाल थे। मतलब 100 में से 30 to 40% क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस से थे। तो इसलिए जब आप तैयारी करें तो ऐसा ना हो सब कुछ तैयारी करके जा रहे हो, ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस की ही नहीं। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, तैयारी सब लोग करते हैं लेकिन पता नहीं उधर क्या होगा। तो हिस्ट्री के हिसाब से जिस एरिया से आज तक जितने सवाल पूछे गए, जिस एरिया से ज़्यादा सवाल पूछे गए, उसको हम लोग को तैयार करके जाना होता है। उस पर कम से कम उस पर तो पकड़ हो कि अगर वैसे ही सवाल आए तो ना छूटे हमसे। तो ओवरऑल L&T गया, इसका जो एग्जाम का एक्सपीरियंस था वो इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में रहे, तैयारी करें, तो आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैंने उनसे भी बात की, जो जिन्होंने टेक्निकल पार्ट का एग्जाम दिया, टेक्निकल पार्ट भी गेट से उसका लेवल आसानी रहता है, जो गेट की तैयारी करते हैं अच्छे से, या जिन्होंने कॉलेज में भी अच्छे से सेमेस्टर्स में पढ़ा हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उनको, तो आराम से L&T के टेक्निकल पार्ट को भी कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में क्या था, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस थे, तो टाइम का कंस्टेंट थोड़ा है, अगर प्रैक्टिस रहे तो आसानी से किया जा सकता है। बाकी जो जो पॉइंट्स मैंने बताया, जिस एरिया में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टॉपिक से, उस पर अगर ध्यान दें तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया कि इससे ये सवाल था, ये टॉपिक्स थे, यहाँ से ज़्यादा पूछा गया था, इस तरह से किसी ने भी एनालिसिस करके इस एग्जाम के बारे में यूट्यूब या कोरा पे कहीं पे डाला नहीं। जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मिला नहीं वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बना लूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर कोई ढूंढे तो उसको मेरी वीडियो मिल जाए और वो तैयारी कर सके आसानी से। तो यही आपके बीच लाना चाहता था, अपना एक्सपीरियंस आपके लिए आशा करता हूँ यूजफुल होगा, जरूर यूजफुल होगा। क्योंकि एग्जाम जो देखते हैं वैसे वीडियोस ढूंढते हैं कि थोड़ा पता चले एग्जाम के बारे में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। क्वेश्चन पेपर्स तो नहीं ला पाए क्योंकि उधर स्क्रीन पे एग्जाम होता है, लेकिन मैंने जो बता दिया वो ओवरऑल मैंने आते ही वीडियो बनाया ताकि आपके कोई पॉइंट छूट ना जाए। जो जो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगा मैंने आपको बताया, जो तो आपको अगर लगता है कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं तो उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये चीज़ आप हम लोग को मोटिवेट करती है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए एक्सपीरियंस, एजुकेशनल वीडियोस, जो भी हो आगे जैसा आप बोलेंगे, इस तरह की आपकी डिमांड होगी वैसा मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।
बाय बाय।